नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच लगातार समसामयिक विषयों पर और अंधविश्वास और पाखंड पर प्रहार करने के लिए लगातार लगा हुआ है, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज की रीढ़ को खोखला कर चुका है, जिसकी वजह से हमारे समाज के लोग अपना मानवीय जीवन भूल पशुवत जीवन जीने को मजबूर हैं। वह पशुवत जीवन कैसे जीने को मजबूर हैं, वह खुद का आकलन करें, निरीक्षण करें कि क्या वह अपना जीवन अपने बुद्धि विवेक पर जी पाते हैं या नहीं। इसी सिलसिले में हमारे समाज का जो महत्वपूर्ण अंग है समसामयिक, इस विषय पर भी जागो पंच आपके सामने चर्चा परिचर्चा को लेकर आता है। आज हमारे समाज में एक अजीब सी उथल पुथल फिर से मच गई है, जो 2016 में मची थी वही उथल पुथल फिर से मच गई। अचानक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से नोटबंदी का डिसीजन लिया है। इस नोटबंदी के डिसीजन में हमारे समाज का क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या राजकीय क्षति है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, प्रधानमंत्री ने कल दिन में यह घोषणा की, रिजर्व बैंक के जरिए ये घोषणा करी गई कि 2000 का नोट अब 30 सितंबर के बाद चलन में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि यह 2000 का नोट जारी कब हुआ और यह प्रचलन में जब आया तो आखिर प्रचलन में आने से पहले या जब इसका प्रचलन किया गया तो गोदी मीडिया की क्या दलीलें थी, गोदी मीडिया ने इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया। उस समय अगर देखा जाए तो गोदी मीडिया ही सबसे सरकार से ज्यादा डिफेंसिव मोड में गोदी मीडिया थी इस 2000 के नोट के लिए। कुछ चैनल हैं जो इस नोट में चिप भी खोज लिए थे कि यह 2000 के नोट में ऐसी चिप है, यदि कोई इसे अवैध रूप से छिपाएगा तो सरकार को उसकी जानकारी हो जाएगी, ऐसा उन गोदी मीडिया के चैनलों ने दावा किया था। तो आज हम आपको बता दें कि पिछले 6-7 वर्षों में ये जो उथल पुथल पुथल मची है, ये उथल पुथल 2000 नोट आने के बाद लगातार ये चलन में तो रहा 1-2 साल, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गया। वह गायब होने का कारण क्या था, क्या यह फिर से काला धन बन गया 2000 का नोट, लोगों ने इसे छिपा लिया तो सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय क्यों लिया, क्या सरकार समाज में अफरा तफरी का माहौल लाना चाहती है, क्या सरकार चाहती है कि हमारे देश के लोग शांतिपूर्वक जीवन ना जिए। वह अपना सारा समय नोटबंदी यानी नोटों को अदलने बदलने में, उसके रख रखाव में, उसको उसकी देखरेख में ही अपना समय लगा दें, यह हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो इस आज चर्चा करेंगे नोटबंदी 2.0 की हम, क्योंकि नोटबंदी 2.0 क्या है, इसके बारे में गोदी मीडिया फिर आज कह रही होगी कि काला धन रखने वालों की खैर नहीं, यह डिफेंसिव मोड में फिर से वापस आ गए होंगे। तो आप सभी से बता दें कि नोटबंदी जो हुई है, ये नोटबंदी का एक कारण है। पिछले कई वर्षों से लगातार आप देख रहे होंगे, 3-4 सालों से 2000 का नोट मार्केट से गायब है। यह गायब क्यों है,
जब ये प्रचलन में आया था तो ये 2019 तक 37% तक इस्तेमाल में था, यूज में था, लेकिन उसके बाद से इसका यूज जो है केवल 10% ही रह गया। यानी कि लोगों ने या तो इसे रखा या सरकार ने इसको अपने पास वापस बैकडोर से इसे वापस मंगाया। ये क्या कारण रहे, इस कारण के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। उस रहस्य को समझना आम नागरिकों की या हम सब की आपके बस की बात नहीं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है जो हम लोगों को समझना होगा, ओबीसी एससी के वर्ग के लोगों को समझना होगा। क्योंकि आज भी हम मध्यम वर्ग में जीने वाले मध्यम वर्गीय लोग, मैं जानता हूं कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए पिछले 3-4 सालों में केवल दूसरे के हाथों में या यदा कदा देखने को 2000 का नोट मिला होगा, अन्यथा यह नोट गायब मिला। तो यह नोट गायब कैसे हुआ, 2016 में आया और ये 2018-19 में इसकी छपाई बंद हो गई। यानी कि जो शुरुआती 1-1.5 साल जो छपाई हुई इसकी, वही हुई और इसके बाद इसकी छपाई भी बंद हो गई। इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या इसमें कारण यह भी हो सकता है कि सरकार की जो क्या बोलते हैं कि यह अविवेकपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया था, उस निर्णय को का बुरा परिणाम उनके सामने आया और उस बुरे परिणाम की वजह से उन्होंने इसकी छपाई बंद की और सरकार बैकफुट पे आई। यानी सरकारी खजाने का कितना नुकसान हुआ नोटबंदी के जरिए, इसका आकलन आज आप लगा सकते हैं। व्यापारियों की इसी नोटबंदी की वजह से रीढ़ की हड्डी टूटी और दूसरा जीएसटी ने तोड़ी और आज फिर व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी ही टूट रही है इस नोटबंदी की वजह से। क्योंकि 2000 का नोट कैरी करने में आसानी है व्यापारियों के लिए, ले आना ले जाना सुविधा होती है, इसलिए यह जो चोट पड़ी है नोटबंदी की 2.0 यह व्यापारियों को पड़ी है और यह लगातार चोट ये भाजपा सरकार करती रहेगी। क्योंकि इसके पीछे उसकी मंशा हमारे समाज में अस्थिरता बरकरार रहे, जब तक अस्थिरता बरकरार रहेगी तब तक भाजपा जैसी पार्टियों की राजनीति चलती रहेगी। तो भाजपा जैसी पार्टियों की राजनीति को ध्वस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें भाजपा को ही भाजपा बंदी करनी पड़ेगी। जब तक भाजपा बंदी नहीं करेंगे तब तक व्यापारी चैन से सो नहीं पाएगा, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा और हमारा समाज, मैं तो यूं कहता हूं कि हमारा मध्यम वर्गीय परिवार से परिवारों से इस नोटबंदी से मामूली सा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनके पास इतना धन ही नहीं है, इतना पैसा ही नहीं है कि वह 2000 के नोट को अपने तहखाने में ले जाकर रखें या अपनी तिजोरियों में रखें या दीवालों में चुनवा के ऊपर से पुताई करवा के रखें। ऐसी कंडीशन हमारे मध्यम वर्गीय परिवार की नहीं है। और ये जो नोट थे 2000 के, वह कुल कितने के नोट थे, 3.62 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के ये 2000 के नोट हमारे इस देश में प्रचलन में थे। लेकिन इतने सारे नोटों का, 3.62 लाख करोड़ नोटों की प्रिंटिंग, उसका खर्चा जो आया इस नोटबंदी के दौरान,
क्या जिसने निर्णय लिया था यह भार उसके ऊपर डालना चाहिए? इस नोटबंदी का जो ये इनका ये तरीका है यह पूरी तरह से विफल हो चुका है। इसे कहते हैं थूक कर चाटना। पहले तो अविवेकपूर्ण निर्णय लेंगे, उसके बाद फिर पीछे हटेंगे। इसके पीछे क्या कारण है? नोटबंदी यदि सफल हुई होती तो निश्चित तौर पर 2000 का नोट चलन में रहता, लेकिन आज इसे काला धन का काला धन बचाएंगे मोदी जी। मतलब अपनी गलतियों को सही कैसे साबित करना है यह कोई सीखे इन ब्राह्मणवादियों की सरकार से। तो साथियों, आप सभी देख रहे हैं जागो पंच यह आज बताने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कैसे हमारे समाज में यदि नोटबंदी की वजह से कोई लोग प्रभावित हैं, वह घबराए हुए हैं, उनके बीच में दिमागी रूप से उलझन है, तो उसे वो छोड़ दें। क्योंकि 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक यह नोट बदले जाएंगे, तो इस बीच में प्रतिदिन वह 10 नोट बदल सकते हैं। पूरी तरह से कोई इसमें शुल्क नहीं है, ना ही बैंक आपसे कोई ऐसे सवाल पूछेगा कि आप इसे कहां से लाए, क्या कर रहे हैं। आप 10 नोट बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि हमारी ओबीसी एससी समाज में इतने नोट नहीं है कि वो 30 सितंबर से पहले बदल ना पाए, लेकिन ये जो प्रहार हुआ है ये प्रहार उन्हीं के पूंजीपतियों पर चोट है, और उन्हीं के पूंजीपतियों पर चोट है, दूसरा हमारी सरकारी क्षति है। और ऐसे सरकारी क्षति और नुकसानों से बचने के लिए हमें प्रधानमंत्री मोदी की तरह डिसीजन लेना होगा। और वो डिसीजन क्या है? भाजपा बंदी। जब तक हम भाजपा बंदी नहीं करेंगे, तब तक आप यूं ही शिकार किसी न किसी योजना के होते रहेंगे। क्योंकि यह सरकार न चलाने वाले लोग हैं, यह सदैव शोषण, हेराफेरी, धोखाधड़ी से रहने वाले लोग, हमारे समाज के साथ सदियों से छल करने वाले लोग, आज इनके हाथ में जब सत्ता आई है तो ये बौखला से गए हैं, और उस बौखलाहट में अविवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, और उसी निर्णय को फिर बाद में स्वयं ही बदल देते हैं, और उसे पूरी की पूरी गोदी मीडिया को लगा देते हैं कि आप इसे सत्य साबित करो, इसे सही साबित करो, और ये कैसे सही है ये लोगों को बताओ। तो नोटबंदी से हमारी सरकारी जो क्षति हुई है, इसका जिम्मेदार कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है। और उस समय जब ये नोट छापे गए थे, वह निर्णय लिया गया था, उस समय के निर्णय लेने वालों को राजकीय क्षति पहुंचाने के तहत जेल जाना चाहिए, ऐसी हमारे समाज की अब मांग होनी चाहिए। क्योंकि निर्णय लेने से पहले एक बार पूरे जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सहमति के बिना ऐसे निर्णय लेने पर लोगों को जेल जाने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र का देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो यहां पर अगर इस प्रक्रिया से निर्णय नहीं लिए जाते तो वो निर्णय अवैध और गैर कानूनी है, और ऐसे गैर कानूनी कार्यों के लिए चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्हें
जेल जाना चाहिए, इसके लिए उन्हें सजा का प्राविधान होना चाहिए हमारे देश में। तो साथियों, आप लोग घबराए नहीं, ये नोटबंदी का समय जो आपको मिला है थोड़ा लंबा मिला है, आप मूर्खों के सरकार में आप जीवन यापन कर रहे हैं, आपको कभी भी किसी भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। आप कभी भी लोकसभा चुनाव के पहले और भी कई स्थितियां आ सकती हैं, ये तो अभी नोटबंदी आई है, हो सकता है ये लॉकडाउन भी ले आए आगे चल के, क्योंकि इनको लोगों को व्यस्त करके कुछ दूसरा काम करना होता है और ये अपना काम कर ले जाते हैं। तो आप सभी की जिम्मेदारी है ऐसे सातिर लोगों को सत्ता से हटाना, जिनका काम केवल केवल भारतीय जनता को परेशान करना, उन्हें विपत्तियों में डालना, उन्हें संकटों में डालना, ये इनकी सरकार बरकरार रहे भले ही लोग यहां पर मर कट जाएं, उनको कितनी तकलीफें हों, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये ऐसे अमानवीय व्यक्ति सत्ता में बैठे हुए हैं। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा और आप सभी अपने विचार कमेंट में दें, और नोटबंदी के फायदे या नुकसान क्या हैं ये मैं बता चुका हूं, और नोटबंदी का जो क्या नुकसान है क्या फायदा है ये आप सभी कमेंट करें, और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। तो साथियों, आपसे मैं विदा चाहूंगा। नोटबंदी हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे मझोले व्यापारी हैं, वह अपना व्यापार में समय न देकर बैंकों की लाइन में लग जाएंगे तो उनकी आर्थिक क्षति होगी। ऐसी आर्थिक क्षति से बचने के लिए हमें भाजपा बंदी करनी होगी, यह अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ज्यादा समय नहीं है आपके पास, अब केवल केवल एक साल बचा है, उस एक साल में आप पूरी तरह से अपना माइंड प्रिपेयर कर लीजिए कि भाजपा बंदी करनी है और अपने देश को बचाना है। इसी के साथ आपसे विदा चाहेंगे, नमस्कार।